आइए आदिन हाकिम, आपका स्वागत है। कुछ बहुत अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली। मुझे माफ कीजिए आदिन हाकिम, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। नियमों के बारे में आप जानती हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आदिन हाकिम, हम सब विवश हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए था, मदद नहीं। मेरे साथ आज क्या हुआ मुझे लगता है उसका अंदाजा है आपको। आपको मायावी गुफा से वरदान मिला है आदिन हाकिम, जो विरलों को मिलता है, और वही वरदान आपकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। उस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें प्राचीन पत्रों को खोलना होगा। मैं जानती हूँ ये कोई बहुत महंगा कीमती पत्थर नहीं है, पर अपनी सैलरी से मैं इतना ही ले पाई, और मुझे पता है कि ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा तपेश। आई जस्ट होप तुम्हें भी ये पसंद आ जाए। तपेश, हाय। हाय। अब तपेश प्लीज एक मिनट के लिए ऊपर आ सकते हो? एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी। तपेश भाई जोरू का गुलाम नहीं, बी अ मैन। तपेश भाई चूहा नहीं, चील बनो। चील। तपेश बुलाओ, आ गया जा। वो मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो बस एक मिनट लगेगा, एक्चुअली मैं बाहर गई थी ना तो। मेरा मैं भी फैमिली के साथ हूँ, जो कुछ कहना है नीचा के कहो, पर नाम बाद में बात करते हैं, मेरा वेट करो। ओके, आई एम सॉरी। ये क्या हुआ? शाबाश, ये हुई ना चिलो वाली बात। क्या दहाड़ा है तू, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू मेरा ही बेटा है। इसी बात में तपेश ने मुझसे ऐसे क्यों बात की? मैंने तो बस एक मिनट के लिए। मीरा ये क्या सोच रही है? नहीं, ये पवित्र मूल ग्रंथ, उसकी प्रतियां, ये पवित्र पुस्तकें, सब जला डाला। किसने किया ये घोर पाप? महाकाल माफ नहीं करेंगे उसे। काटने के ये सब उसी शैतानी ताकत में। ये देखो, ये उसका सबूत, ये कैचली और चील का पंख, उसी ने जलाया ये सब, उसी ने जलाई ये सारी किताबें। और ये बात मुझे पता चल जाए, इससे वो पीछे ये छोड़ गए, ये कैचली और चील का पंख, इसका मतलब ये सब उसने बहुत पहले कर लिया था, मेरे उसे उस गुफा में कैद करने से पहले। नाखिल, ये आपको चैन से जीने नहीं देना चाहती है, खुद हार कर भी आपको जीतने नहीं देना चाहती है। यही तो भूल कर रही है वो, आदि नागिन में जो हर हाल में जीतती है, वो उस समुद्र पानी और दिमागी भ्रम से जो करना चाहती है ना,
कर ले, लेकिन हार उसी की होगी। और ये भोलेनाथ का मंदिर है यार, जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, और मैं भी नहीं जाऊंगी। ये वाटर लीकेज कहां से हो रहा था पता ही नहीं चला। हे भगवान, ये जरूर महक या दहक ने बाथरूम में नल खुला छोड़ दिया होगा। मीरा, वो मैं सॉरी बोलने आया तो था वैसे। पता था मुझे यहाँ होंगे आप। सॉरी बोलने आए हो ना। व्हाट इज दिस नॉनसेंस तपिश भाई? तपिश भाई आप पुरुष नहीं हो, आप चील हो। चील? हाँ मैं जानता हूँ मैं चील हूँ, तो क्या करूँ, गले में आई कार्ड लगा लूँ और सबको बोलूँ दुनिया में कि मैं चील हूँ? और वैसे भी मैं यहाँ कोई सॉरी बोलने नहीं आया था, मैं एक्चुअली यहाँ मीरा को एक टास्क देने आया था। रियली? टास्क? हमें भी तो बताओ क्या टास्क था भाई। तुम्हें नहीं बताऊंगा और चलो बाहर। लेकिन भाभी, भाभी बाहर, भाभी भाई, क्या आप सॉरी बोल के ही निकलोगे? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं तो यहाँ तो बस ये शाल बंद करने आई थी, लेकिन इस पानी के भट्टे में मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हूँ, जम गई हूँ यहाँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से, क्या हो रहा है ये? आपको नौ परिक्रमा करनी आदि नागिन, लेकिन ध्यान रहे परिक्रमाएं पूरी होने के पहले आपके दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए। बुझ गई तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। आदिनागिन को पूरा सब कुछ फिर से करना होगा।